आज तक मेरी लाइफ में नहीं हुआ, दोस्ती वो मैं करने जा रही हूँ. तो सबसे यूनिक चीज यही होगी. उन्होंने कभी कमी महसूस नहीं होने दी दोस्त की, तो हर चीज़ वहीं गई है. तो वो उन्होंने पैक करके रखी हुई है आराम से, ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी. थिंक सो कि चैलेंजिंग होगा, क्योंकि अपने अंदर जब तक है कि हाँ हम कर सकते हैं तो हम डेफिनेटली कर सकते हैं. अगर हम अंदर से टूट जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे. देखो जब तक ठुमके मैंने दिखाए तो आप लोगों ने देखे, आप कुछ नया दिखाएंगे तो भी तो आपको देखना पड़ेगा ना. फैन ऑब्वियसली वो होता है जो हम जो भी करेंगे वो उन्हें पसंद आएगा. जैसे कि सपना जी ने बताया कि दोस्ती के ऊपर फिल्म है और हम चारों के चारों बहुत गहरे दोस्त रहेंगे, दिखाए जाएंगे फिल्म में, और उसके बाद ग्रेजुअली कैसे डिस्टर्बेंसेज आते हैं या दोस्ती में क्या इफेक्ट्स होते हैं एक्चुअली में, उसके बारे में बताया जाएगा. मैं कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा तो नहीं बताऊँगा, बट हाँ इतना है कि बहुत सारी शीट्स देखने को मिलेंगे आपको, एंड स्टेप बाय स्टेप्स कैसे लाइफ उसको, उस कैरेक्टर को जिसका नाम गौरव होगा, उसको कैसे सिखाती है लाइफ और कैसे ज़्यादा वो जीता है, आगे जाके कैसे अपनी मंजिलों को पाता है, तो वो सब दिखा. पर्सनल लाइफ में अभी तो दोस्त नहीं हुए हैं अभी फिलहाल. नहीं अच्छा, एक्चुअली हम आप हमारी बात कर रहे हैं या एक्चुअली इनके पर्सनल कितने? नहीं नहीं, अरे अभी तो हम अभी तो मुझे मेरी बॉन्डिंग वैसे विक्रम से ज़्यादा अच्छी हुई है. हाँ मेरी इनसे ज़्यादा अच्छी हुई है. मैं विक्रम के साथ अभी थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, जुबेर के साथ अभी टाइम स्पेंड नहीं किया. जब मैं इसके साथ टाइम स्पेंड करूँगी, विक्रांत के साथ किया है, इसके साथ नहीं किया है, इसके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद आपको बताऊँगी कि कितनी आगे तक जाएगी. एज इन फ्रेंड आई थिंक बॉन्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए. हर रिश्ता अपनी अपनी जगह अलग अलग तरीके से मायने रखता है, तो फ्रेंडशिप में विश्वास बहुत ज़रूरी चीज़ है. अगर एक दोस्त को दूसरे दोस्त के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है तो फिर वो फ्रेंडशिप किसी गड्ढे में ही चली जाए, तो आई थिंक ज़्यादा बेहतर है. एज एन एक्टर मुझे फीमेल आर्टिस्ट में से जो पसंद है, फीमेल में से मुझे कंगना रनौत बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, और विद्या बालन बहुत अच्छी लगती हैं, दीपिका पादुकोण भी बहुत पसंद है, प्रियंका चोपड़ा बहुत अच्छी लगती हैं. अब फिर आप कहेंगे कि कौन सी अच्छी नहीं लगती, तो वो तो मैं बता ही नहीं. साल एक्सपेक्टेशन तो बहुत तगड़े वाली है, लगता है कि कुछ यूनिक देखने को मिलेगा बिग बॉस में जो अब तक के सीजन्स में नहीं देखा, तो मैं एक भी एपिसोड मिस नहीं करने वाली. वैसे मैं बहुत अच्छे तरीके से देखने वाली हूँ. हिना ने क्या नहीं किया है, हिना ने सब कुछ किया है. मैं हिना और मैं बहुत क्लोज रहे हैं, बिग बॉस के अंदर भी बहुत क्लोज रहे हैं, आज भी बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं. तो मेरे ख्याल से जो कोमलिका का रोल है वो हिना से बेटर कोई और कर ही नहीं सकता. विचार देखिए अपनी अपनी जगह सबके अच्छे होते हैं. मोदी जी के भी बहुत अच्छे विचार हैं अगर आज की जनरेशन को लेके चले तो. तो विचार अपनी अपनी जगह सबके अच्छे हैं. हम किसी के विचारों पे टोन पास नहीं कर सकते कि उसके अच्छे नहीं हैं, उसके अच्छे नहीं हैं. अब आपकी जगह आपके विचार अच्छे हैं, मेरी जगह मेरे विचार अच्छे हैं, तो किसी पे ब्लेम करना या नाम उठाना अच्छी बात थोड़ी होगी. आप मेरे को फंसवाना चाहते हो क्या? नो बेबी नो. मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है राजनीति में, बिल्कुल भी नहीं है.